चलिए दोस्तों, मैं आज आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एडिडास और पूमा कंपनी दोनों एक ही कंट्री से बिलोंग करती है, और दोस्तों उस कंट्री का नाम है जर्मनी। दोस्तों, ये जो दो कंपनी है वो एक ही परिवार के दो भाइयों ने बनाई थी। दोस्तों, बड़े वाले भाई का नाम था रुडोल्फ डेसलर, जिन्होंने 1948 में अपनी कंपनी बनाई जिसका नाम उन्होंने रूडा रखा, लेकिन बाद में उन्होंने इसका नाम चेंज कर पूमा कर दिया। और दोस्तों, छोटे वाले भाई जिनका नाम था एडोल्फ डेसलर, उन्होंने 1949 में अपनी कंपनी बनाई जिसका नाम था एडिडास। और दोस्तों, आज ये दोनों कंपनी एक अच्छे मुकाम पर है। दोस्तों, 2019 के आंकड़ों के मुताबिक जो एडिडास की जो नेटवर्थ थी वो 1,945 मिलियन यूरो थी, और वहीं पूमा कंपनी की नेटवर्थ 68.5 मिलियन यूरो थी। और दोस्तों, आज ये दोनों ब्रांड मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड की लिस्ट में जो एडिडास कंपनी है वो 3rd नंबर पर आती है, और जो पूमा कंपनी है वो 6th नंबर पर आती है। दोस्तों, जानकर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल पाए।